हेलो दोस्तों वेलकम टू द अम्बेडकर सिरसा टूडे विल डिस्कस द हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ उड़ीसा तो हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी उड़ीसा क्या था द रीजन नाउ नोन एज द उड़ीसा वाज नोन इन द आंशियंट टाइम्स अंडर द वेरियस नेम्स द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ व्हिच वर कलिंग उत्कल उड्र तोसाली कंगोदन कोसल टू ये सब नाम क्या था उत्कल उड्र तोसाली कंगोद कोसल एंड द कलिंग ये सब उड़ीसा का मतलब क्या आंशियंट नेम था टू हेव एन आइडिया अबाउट द आंशियन जियोग्राफी ऑफ उड़ीसा इट इज नेसेसरी टू हेव एन आइडिया अबाउट द एंटीक्विटी एंड द एक्सटेंट ऑफ मेन आंशियन जियोग जियोग्राफिकल यूनिट्स ये जो उड़ीसा है उड़ीसा में क्या हुआ था ना ये सब जो कलिंग उत्कड़ उड्रा ये अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन था इसको लेकर एक उड़ीसा बना जो नाइनटीन थर्टी सिक्स अप्रैल वन में तो देखेंगे अभी कलिंग जो था कलिंग कौन से कौन से एरिया को लेकर मतलब कलिंग बना था एमंग द डिफरेंट पोलिटिकल यूनिट्स ऑफ द आंशियंट लैंड कलिंगा ऑक्युपाइड ए प्रोमिनेंट प्लेस द फोटाइल कोस्टा कोस्टल प्लेन ट्रेसिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द रिवर गंगे अप टू गोदावरी विद माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट गेव ए नेचुरल बाउंड्री टू कलिंग तो इधर बताया जा रहा है जो हमारा गंगा से लेकर गोदावरी तक जितना भी रीजन था जो कोस्टल एरिया में था वहाँ पे जो भी माउंटेन फॉरेस्ट एरिया था वो सबको लेकर क्या होता है कलिंग बनता है द नेम कलिंग अकोर्स इन द पुराना इन एसोसिएशन विथ अंग भंग एंड पुंद्रा एंड द सुमह जो कलिंग है वो भी क्या है कहाँ पर मतलब हम लोग देखते हैं पुराण में मेंशन किया गया है अंग वंग फुंद्रं सुमा में द महाभारत देयर इज एन इंडिकेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ एंड द एक्सटेंट ऑफ द कलिंग महाभारत में भी मतलब कलिंग का लोकेशन और मतलब लोकेशन के बारे में बताया गया है एक बात याद रखना है गंगा से लेकर गोदावरी तक जो कोस्टल लैंड था वो आंशन कलिंग था तो उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका उत्कड़ उत्कल क्या है द टेरिटोरी ऑफ उत्कल और हजबिन नैरेटेड इन वेरियस पुरान्स उत्कल के बारे में बहुत सारे पुराण में बोला गया है उत्कल आपियर्स इन द महाभारत इन एसोसिएशन उथ द कॉन्ट्रीज ऑफ ओड्राज मेकड़ा कलिंगा दर्शन एंड अंधराज इस सब के नाम में जो कंट्रीज है ओड्रा का कंट्री को उत्कल बोला जाता है मेकड़ा कंट्रीज को उत्कल बोला जाता है ये सब क्या महाभारत में मैंसन किया गया है यू हैव टू रिमेंबर ट्रेडिशन एसोसिएट्स द ओरिजिन ऑफ उत्कड़ हुईस्तव मनु हु फाइंड्स मैंसन एमंग द किंग्स ऑफ इंडिया तो ट्रेडिशनल डिट देखेंगे तो उत्कल में जो बहस्त मनु है उन्होंने भी क्या किया था किंग्स ऑफ इंडिया के अंदर कलिंग उत्कल के किंग के बारे में भी डिस्कशन किया था इट इज सेड दैट इलाम ऑफ़ द टेंट सन ऑफ मनु हु बिकेम द मेल एंड फीमेल अल्टरनेटिवली गिव द दर्थ टू उत्कड़ गया विनिस्तवन पुरु ये सब आप लोग को याद रखना है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है नेक्स्ट है वो ड्रॉ ओड्रो के द प्रेजेंट नेड़ीसा हेज बिन डिराइड फ्रॉम द नेम ओड्रा और उड्रा और ओड्राको जब अभी का नेम जो है उड़ीसा उड़ीसा कहाँ से आया है ओड्रो से आ, को से आया है इट आप उर्सिन और द उर्सिन द इन द अकाउंट्स ऑफ मुस्लिम जियोग्राफर्स ऑफ द नाइन्थ एंड द टेंथ सेंचुरी एडी हमको वोड्रो कहाँ पर देखने को मिलता है सबसे पहले उडसिन के अकाउंट में जो मुस्लिम जियोग्राफर थे टेंथ सेंचुरी एडी में नाइन्थ एंड टेंथ सेंचुरी में देखने को मिलता है द जियोग्राफर्स हुआ अपेरेंटली कलेक्टेड द इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द रूल ऑफ द भोमो कॉर्ज इन उड़ीसा जो उर्सिन और उर्सिन थे, थे उन्होंने क्या किया था भोमोकर के टाइम में जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट किया था गिव द डिविजन ऑफ द भोमो किंगडम्स एज उर्सिन और द उन मियाज एंड दरखंड एंड आंध्राज ये सब को हुजीन आइडेंटिफाई विद उड़ीसा प्रॉपर महिस्या अंड मिदनापुर झारखंड एंड आंध्रा तो जो थे हमारे कौन भूमगर के टाइम में मुस्लिम जियोग्राफर उर्सिन और उर्सिन उन्होंने क्या किया था यह सबको डिस्कशन किया था द नेम उड़ीसा एग्जिस्टेड एज नियरली एज द टेंथ सेंचुरी एडी इफ नॉट ईयरलीअर तो उड़ीसा का जो नेम आया वो कहाँ कब आया टेंथ सेंचुरी एडी के टाइम में हम लोग को देखने को मिलता है ओड्रा ओड्रा का ठीक है फिर हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है ने तोसाड़ी तोसड़ा और तोसाड़ी फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पोलिटिकल यूनिट इन एंशिएंट इंडिया उड़ीसा सॉरी एंशिएंट उड़ीसा में तोसाड़ी जो नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट नेम है इट हैज़ बिन डिस्क्राइब फ्रिकुएंट इन आंशियंट इंडियन टेक्स्ट आंशियंट इंडियन टेक्स्ट इसके बारे में डिस्कशन किया गया है इट इज मैंसन इन द परिशिष्ट ऑफ अथर्व वेद ऑथर्वेद के परिशिष्ट में विथ कोशा एंड पुरानस है पीपुल ऑफ दिस टेरिटोरी विथ कोटल निशोदास त्राईपुरस एंड द तुमुरस बल्दिसस एट्सेट्रा इस सब के बारे में मतलब क्या हुआ है मतलब संस्कृत में भी क्या हुआ है डिस्कशन किया गया है और तुसल तो के एरिया के बारे में भी डिस्कशन किया गया है कहाँ पर वेद वेद में अथर् वेद में इन ऑशो का डिस्क्रिप्शन और धौड़ी तोशाड़ी हैज़ फाउंड मेंशन अ सिटी हुई हैज़ बीन आइडेंटिफाई बाय सम स्कॉलर्स विद द मॉडर्न शिशुपालगढ़ बट तोड़ी और तोसाड़ा आज द नेम ऑफ टेरिटोरी ऑल्सो ऑकर्स इन द सबसिक्वेंट लिटरेचर एंड एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स तो अभी जो मॉडर्न का जो शिशुपालगढ़ है और जो तोड़ी तो उसको बोला जाता है तो उसके बारे में भी बहुत सारे हिस्टोरियन जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है तो हम देखेंगे बाद में कंगोदा कंगोदा वॉज द अनदर जियोग्राफिकल यूनिट ऑफ आंशियंट उड़ीसा कंगोद जो है वो बहुत बड़ा मतलब नाम है आंशियंट उड़ीसा का इट वॉज ड्यूरिंग द सड़द भवो डायनेस्टी कंगोद केम इन टू एमिनस तो सड़द भवो डायनेस्टी के टाइम में कंगोदो का नाम आया था कंगोदो में भी एक्सप्लियड एज द लैंड ऑफ हनी आज कोंगो इन तमिल मीन्स होनी तो कंगोदो का मतलब क्या है लैंड ऑफ हॉनी को कंगोदो बोला जाता है कंगू का मतलब क्या है तमिल में हनी तो दिस वाज ए मंडल स्टेट एंड फोरिस्ट इन सिक्स से, एंड सेवन सेंचुरी ए ये क्या मंडल स्टेट है जो कि सिक्स और सेवन सेंचुरी एडी में देखने को मिला था इट कॉन्टिन्यूज पार्ट्स ऑफ कलिंग एंड वोड्रा ये कलिंग और वोड्रा के पार्ट के हिसाब में रहता था दैलोदभाव गेव दिस कंगो मंडल इज टू सेव कंगोद मंडल बोल के सैलोदभाव डायनेस्टी में क्या इसका नाम दिया गया उसको सैलोदभाव डायनेस्टी के जो किंग थे उन्होंने रूल करना शुरू किया द चीफ द चाइनीज प्रेज हुएंगू विजिटेड कॉन्गो द अबाउट सिक्स थर्टी ए तो चा, जा, जा, जो हुसांग थे चाइनीज के प्रेजिम वो इंडिया जब आए थे उन्होंने सिक्स थर्टी एट एडी में क्या होता कोंगोदो को विजिट किया था तो नेक्स्ट आ गया कोसड़ा कोसड़ा एज ए जियोग्राफिकल यूनिट एज एग्जिस्टेड इन आंशियंट उड़ीसा तो कोसड़ा जो है वो भी एक जियोग्राफिकल यूनिट है जो क्या होता है हम लोग को आंशियंट उड़ीसा में देखने को मिलता है द दरलिस्ट डिफिक्सन ऑफ द कोसल इज फाउंड इन द परिशिष्ट ऑफ द अथर्वेद तो कोसल ऑथर्वेद में भी परिशिष्ट के परिशिष्ट में क्या हुआ डिस्कशन किया गया है बताया गया है द ए पिकस एंड द पुराना थ्रो लाइट ऑन इट्स आंशियंट हिस्ट्री तो ये पिक और पुराना जो है उड़ीसा के आंशियंट हिस्ट्री में क्या करता है मतलब बहुत इन्फॉर्मेशन देता है इट वॉज नेम आफ्टर लाइक कलिंगा उत्कड़ एंड ओड्रा एंड आंशियन पीपल कॉल कोसड़ा कलिंग उत्कड़ और ओड्रा के बाद आंशियंट लोग क्या करते थे उसको बोल के बोलते थे द किंगडम ऑफ कोसल वॉज डिवाइड इन टू यूनिट्स तो किंगडम ऑफ कोसल जो है उसको दो यूनिट में डिवाइड डिवाइड किया गया है एक नॉर्थ कोस किया साउथ कोशड़ा उत्तर एंड दक्षिण द टेरिटोरी ऑफ कोसोड़ा इज एट्रीब्यूटेड टू ए मिथिकल ओरिजिन तो रामो द प्रिंस ऑफ कोसोड़ा बींग बैनिस्ड विथ हिज ब्रदर लक्ष्मण एंड इज वाइफ सीता ट्रैवल्ड साउथ फ्रॉम अयोध्या टू प्रयोग एक रामायण भी इसका एक, एक मतलब कहानी बताया गया है ट्रावेलिंग साउथ वेस्ट टू नर्मदा वैली ही केम टू ए प्लेस आइडेंटिफाई विद मॉडर्न छत्तीसगढ़ एरिया तो ये क्या है मतलब साउथ वेस्ट का नर्मदा वैली में मतलब क्या होता है मतलब बताता है कि उस उस टाइप का जो मॉडर्न छत्तीसगढ़ एरिया है थोड़ा बहुत कोसोड़ा एरिया भी आता है तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दस ऑल दिस जोग्राफिकल यूनिट्स हैव प्लेड देयर रोल्स इन द एनरिचमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा जितना भी हम लोग पढ़ा तो क्या है ये सब क्या होता बताता है पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री बताता है उड़ीसा का आज यू ऑब्जर्व दैट कलिंग उत्कल ओड्रा तोसाड़ी कंगोदान कोसड़ा टेरिटोरीज हैविंग डिस्टिंग बाउंड्रीज ऑफ देयर ओन एंड द बाउंड्रीज चेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम इन एंशिएंट एंड अर्ली मीडिया पीरियड तो हम लोग देखते हैं जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं कलिंग उत्कल और के बारे में ये सब अलग अलग

सिनोनिम विद द ओड्रो राष्ट्र ऑफ विच बिकेम उड़ीसा राज्य ड्यूरिंग द ग्रेट गजपति गजपति के टाइम में जो सारा दास थे उन्होंने भी क्या किया था ओड्रो राष्ट्र बोल के इसको लिखा था अपने लिटरेचर में राइट फ्रॉम द डेज ऑफ कपिलेंद्र देव फोर्टीन हंड्रेन थर्टी फाइव टू फोर्टीन हंड्रेड सिक्सटी सेवन एडी दिस एम्पायर लैंड ऑफ उड़िया स्पीकिंग पीपुल हैज़ बिन नोन एज उड़ीसा तो कपिलेंद्र देव के टाइम में भी क्या होता था उड़ीसा को मतलब इसको क्या बोलता था उड़ीसा को उड़ीसा बोला जाता था थैंक यू एवरीवन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज आप को मैं थोड़ा स्पीडअप से ले गया अगर कोई डाउट है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं थैंक यू एवरीवन